सरकार है केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है। सड़कें आवागमन के लिए नहीं, मैं वो आ रहा हूं ना। जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं सत्र में आया मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं नहीं नहीं, इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में, हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी मनाओ। हमने प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है कावड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कावड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं गाजियाबाद के बीच में, 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में, ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है, परेशानी इस बात से नहीं कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था लेकिन यहां खुल चुका है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी समुदाय को नहीं। उनकी परेशानी सांड से नहीं, उनकी परेशानी इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से है, क्योंकि इल्लीगल स्लॉटरिंग ये जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और अन्नदाता किसानों के पेट पे लात मारने जैसी स्थिति थी। ये उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन ये लोग उससे भी इनको परेशानी होती है।